साहब जी और उसमें 28 107 मेडल जीते हैं, 28 गोल्ड मेडल थे और जिसमें से 2 मेडल कबड्डी स्ट्रीम में आए हैं और हिमाचल प्रदेश से विशाल भारद्वाज जो ऊना के रहने वाले हैं भारतीय कबड्डी वाले हैं आप माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू उन्हें शॉल और टोपी पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं कैप्टन ऑफ इंडियन कबड्डी टीम। नेक्स्ट मिस धनी सर ने नाम हासिल किया है और हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो खेलों के लिए और देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम में अपना नाम दर्ज कर गौरव हासिल किया और हिमाचल प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रयास जनप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू शॉल और टोपी देकर सम्मानित कर रहे हैं। आज कबड्डी एसोसिएशन के द्वारा ये सम्मान समारोह उन बेटियों के लिए रखा गया था जो जो बेटियां एशिया में हमारा परचम लहराया, देश का परचम लहराया, हिमाचल का परचम लहराया। और मुझे खुशी की बात सबसे ज़्यादा ये है कि हिमाचल से कबड्डी में 5 बेटियों ने जाकर एशिया में हिमाचल की धाक को भी बना रखा और हिंदुस्तान के गौरव को भी बढ़ाया है। इस संदर्भ में आज हमारे राजकुमार नीटू जी ने ये एसोसिएशन जो प्रेसिडेंट है कबड्डी एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने इस फंक्शन रखा था बेटियों को सम्मान का। सरकार की तरफ से अलग से कार्यक्रम होगा, उसकी रूपरेखा हमने बनाई है और निश्चित रूप से जिन बेटियों ने सम्मान दिया है उनका सम्मान भी रखा जाएगा और उनकी भावनाओं का ख्याल भी रखा जाएगा। इस दृष्टिकोण से जब सरकारी कार्यक्रम होगा उस समय उनकी घोषणा जाएगी। खेल नीति में बदलाव की ज़रूरत है और खेल नीति पिछले काफ़ी सालों से चली हुई है। हमने नौकरी का कोटा तो रखा है लेकिन कितने परसेंट को नौकरी मिलनी चाहिए उस दृष्टि से भी हमको सोचना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि उनके लिए सुविधाएँ क्या देनी है। बेटी अपने दम पर तो काम कर सकता है, पुरुष भी अपने दम पर काम कर रही है, अपनी मेहनत से कर रही है, लेकिन अगर हम उनको और अच्छी सुविधाएं दें तो वो आगे आ सकती है। इस पर मैं खुद भी विचार कर रहा हूं और खुद भी मेरी मीटिंग्स होगी और जल्दी ही हम खेल की नीति में भी खेल नीति में बदलाव करेंगे और खेलों में सुधार के लिए और अच्छे कदम उठाए। निश्चित तौर पर बेटियों को अगर बाहर जाने की जरूरत पड़ रही है तो थोड़ा सा तो हमें भी सोचना पड़ेगा ना। 50 साल में पहली बार ऐसी आई है, हम उससे उठे हैं, अभी आर्थिक तंगी के बाद भी हम उससे उठे हैं। और मुझे खुशी है कि मैं सभी प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जितनी तेज़ी से कार्य हुआ ये आप भी देख रहे हैं, उतनी तेज़ी से कार्य बहुत कम जगह देखने को मिलता है। लेकिन जिस स्पीड से हमने काम किया, चाहे सेब का सीजन लगाने की बात थी, चाहे सड़कों को दुरुस्त करने की बात थी, हमने पूरी तेज़ी से काम किया। और आज जो बारिश हुई है रेगुलर बारिश है, इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला। हाँ, मंडे मीटिंग में आज मैंने सभी अधिकारियों की मंडे को मीटिंग लेता हूँ सुबह 11 बजे से। वैसे मैंने इस कार्यक्रम में 11 बजे आना था लेकिन मंडे मीटिंग का मुझे पता नहीं था। मंडे मीटिंग में आज हमने फैसला किया कि आम लोग और गरीब लोगों के इंतकाल नहीं होते, 25,000 के करीब लोगों के इंतकाल फंसे हुए हैं। तो हमने ये फैसला किया कि इसके लिए जो गांव में रहने वाले लोगों की रजिस्ट्री होगी इंतकाल नहीं हुआ, शहर में रहने लोगों वालों की रजिस्ट्री होगी इंतकाल नहीं हुआ, और 25,000 इंतकाल क्यों रुके हुए हैं जब उन्होंने ज़मीन के पैसे दे दिए। तो इस दृष्टिकोण से हमने 30 अक्टूबर को इंतकाल अदालत का आयोजन किया जाएगा और जितने इंतकाल बचे हैं 25,000 से जितने उस दिन हो सकते हैं उनको कम किया जाएगा और उसके बाद और जो इंतकाल बचे होंगे उनको धीरे धीरे और कम किया जाएगा ताकि आम आदमी तक सरकार के जो कार्य योजना वो पहुंचे। इस इंतकाल अदालत के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।